नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू। पुणे पुलिस ने इंदौर की कनाडिया पुलिस की मदद से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में इंदौर में लिव इन में रहने वाले कपल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ पुणे की एक आईटी कंपनी के मालिक ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी युवक युवती इंदौर में काफी समय से रह रहे थे। पुणे पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई है। शिकायतकर्ता राहुल जायसवाल के मुताबिक इंदौर में MBA की पढ़ाई के दौरान पुष्पेंद्र सोलंकी से दोस्ती हुई थी। पुष्पेंद्र ने उसे बताया था कि इंदौर में वह एक्यूमेन फूड स्टफ ट्रेडिंग नाम से कंपनी चलाते हैं। पुष्पेंद्र ने राहुल को कंपनी के जरिए ड्राई फ्रूट और अन्य सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात कही थी। पुष्पेंद्र ने अपनी लिव इन पार्टनर और ठगी में साथ देने वाली प्रियंका मंगवानी के साथ मिलकर राहुल को कंपनी की इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद पुष्पेंद्र ने करीब 1.5 साल में राहुल से 1 करोड़ रुपए की राशि ले ली और फिर राहुल का मोबाइल उठाना बंद कर दिया था। राहुल के मुताबिक आरोपी ने उसे डॉक्यूमेंट में 3 लाख का प्रॉफिट होना भी बताया था, लेकिन रुपए नहीं दिए थे। जानकारी के मुताबिक पुष्पेंद्र की पहले शादी हो चुकी है, उसकी 2 बेटियां भी है, लेकिन वह अपनी पत्नी के अलावा प्रियंका के साथ भी फ्लैट में लिव इन में रहता है। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी करने वाला पुष्पेंद्र महंगी गाड़ियों का शौकीन है। वह BMW कार के अलावा थार और अन्य गाड़ियों से घूमकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर ठगी करता था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अभी वह मामले में आरोपियों को लेकर फिर से इंदौर आएगी, जहां उनसे प्रकरण के प्रबंध में दस्तावेज भी जब्त किए जाएंगे। राहुल द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुणे पुलिस को पुष्पेंद्र और प्रियंका के बारे में जानकारी मिली थी कि वह कनाडिया इलाके के पलास पैलेस से कंपनी चला रहे हैं। इसके बाद पुणे पुलिस इंदौर आई और कनाडिया पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़कर पुणे ले गई है। इससे पहले पुणे पुलिस ने पुष्पेंद्र और प्रियंका को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था। यहां उनका पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगा गया है।